हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग लेक्चर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9, फार्माकोग्नोसी डी फार्म फर्स्ट ईयर का, जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पाइरुलिना के बारे में। स्पाइरुलिना क्या होता है, आइडिया लगी गया होगा थोड़ा बहुत। एक अल्गी होती है, काई होती है, काई जैसी चीज होती है। तो आप देख लें इसको कैसी होती है। ये देखो, कुछ इस टाइप से होती है ना, और ये इतना फायदेमंद है कि फ्यूचर का फूड कहा जाता है इसे, भविष्य का खाना। इतनी जबरदस्त क्वालिटीज हैं इसके अंदर, इतने जबरदस्त न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर। हमारी बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स लगभग ये कवर करती है, ठीक है ना। स्पेस में जब साइंटिस्ट लोग स्पेस में जाते हैं तो ये लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो स्पाइरुलिना का बहुत रोल रहता है स्पेस में जाते वक्त। इसको खाने से हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं हमको। ये देखो, सिर्फ तालाब टाइप का, ये तालाब कोई तालाब नहीं है, घर में ही मेंटेन किया जाता है। उसके अंदर ये हरी हरी देख लो का, इसको मतलब एक तरह कह लो कि इसकी खेती की जा रही है। फिर इसके अंदर से निकाल लिया जाएगा इसको बाहर, और फिर इस तरह टैबलेट या पाउडर के रूप में मार्केट में ये अवेलेबल है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलें, तो अब मेरे ख्याल से एक आइडिया लग गया होगा कि क्या चीज़ है स्पाइरुलिना, ठीक है। तो आओ देखें जरा इसको हम लोग। तो स्पाइरुलिना क्या कह रहा है, इज अ माइक्रोस्कोपिक एंड फिलामेंटस, फिलामेंटस मतलब धागेदार, फिलामेंटस का मतलब धागेदार साइनोबैक्टीरियम। साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर ही एक बैक्टीरिया पाया जाता होता है जो अपनी फोटो से मतलब खाना खुद बना सकता है ना। साइनोबैक्टीरियम ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उन्हें साइनोबैक्टीरियम बोल दिया गया, ठीक है ना। इट हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ यूज एज अ सेफ फंक्शनल फूड। इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री रही है, कई जमाने से इसको लोग खाते हुए आ रहे हैं। इट इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड इन लार्ज आउटडोर पॉन्ड्स, जो घर के बाहर एक तालाब जैसा बना लेते हैं उसमें इसको उगाया जाता है, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, है ना, टेम्परेचर वगैरह सब बातें ध्यान रखी जाती हैं। ओके, पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट, आखिरकार इसके हेल्थ बेनिफिट क्या है, पोटेंशियल, ठीक है ना। ऑफ स्पाइरुलिना आर मेनली ड्यू टू इट्स केमिकल कंपोजिशन। इसका इतना ज्यादा क्यों इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि स्पाइरुलिना के हमारे ऊपर हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे हैं, बहुत सारा हमको ये फायदा पहुंचाता है, ठीक है। और क्यों फायदा पहुंचाता है, इसके अंदर खास तरीके के केमिकल पाए जाते हैं। कौन कौन से केमिकल हैं? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, मिनरल्स हैं, स्पेशली आयरन, आयरन की तो भैया बहुत ज्यादा कमी मतलब जरूरत पड़ती है, इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, है ना, विटामिंस हैं, पिगमेंट्स हैं, सब कुछ तो है जो हमारी बॉडी को चाहिए। एक न्यूट्रिएंट के तौर पर हमारी बॉडी को जो चाहिए वो सब कुछ है यहाँ पर, देख रहे हो, ठीक है। अब कह रहा है थ्री मेजर बायोएक्टिव कंपोनेंट। बायोएक्टिव क्या होते हैं? जो जिनका बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है, जो हमारी बॉडी पे जाके असर डालेंगे। कौन कौन से हैं? प्रोटीन, फाइकोसाइनिन, सल्फेटेड पॉलीसेक्राइड एंड गामा लाइनोलेनिक एसिड, ठीक है। तो ये जो मेन थ्री मेजर बायोएक्टिव कंपोनेंट है, प्रोटीन है, फाइकोसाइनिन, सल्फेटेड पॉलीसेक्राइड और लाइनोलेनिक एसिड, गामा लाइनोलेनिक एसिड। गामा ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर गामा लाइनोलेनिक एसिड पाया जाता है, कहीं और जल्दी मिलता नहीं है ये। स्पाइरुलिना सप्लीमेंट्स हैज इम्यूनो मॉड्यूलेशन एंड एंटीवायरल इफेक्ट। वायरस के खिलाफ काम करता है ये, और इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है, अच्छा करता है। द अवेलेबल क्लिनिकल एविडेंस डज नॉट इंडिकेट अ सीरियस रिस्क टू हेल्थ और अदर पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स ड्यू टू स्पाइरुलिना। अब तक जो क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह हुए हैं, जो भी कुछ हुई हैं, वहां पे हमको कहीं पे भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है कि स्पाइरुलिना ने हेल्थ के ऊपर खराब असर किया है, है ना। तो इसकी वजह से इसको अच्छा माना जाता है। अब साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात कर लें, डोमेन क्या है इसका, मैंने बताया बैक्टीरिया है, है ना। डोमेन क्या है इसका? बैक्टीरिया है। फाइलम किसके अंदर आएगा? साइनोबैक्टीरिया। क्लास साइनोफाइसी। फैमिली माइक्रो कोलियेसी। ऑर्डर ओसिलो टोरियल्स। जीनस आर्थ्रोस्पायरा और स्पीसीज एथ्रोस्पायरा प्लेटेंसिस, ठीक है ना। तो अब है क्या इसमें, क्योंकि हमको अच्छे से पता है, क्या पता है हमको, क्या करना, हर वैसे हेल्थ एंड फूड, उसमें इंट्रोडक्शन एंड थेरेपेटिक एप्लीकेशन। तो थेरेपेटिक एप्लीकेशन से पता होना चाहिए, इंट्रो, इंट्रो में क्या लिखोगे उसके बारे में, तो कुछ बातें उसके बारे में जनरल पता होनी चाहिए, कहाँ से मिलता है वो, क्या होता है, क्या पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये जनरल इंट्रो में सब बातें आ जाएंगी। अब बात करते हैं हम लोग इसकी, किसकी, फोर मेन कंपोनेंट ऑफ स्पाइरुलिना। वो बायोएक्टिव कंपोनेंट थे, ये मेन कंपोनेंट है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की।
टुडे स्पाइरुलिना इज नोन एज द रिचेस्ट फूड बिकॉज द प्रोटीन कंटेंट इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ सोयाबीन्स। जो हम सोयाबीन खाते हैं जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा अगर हम ग्रीन वेजिटेबल में चले जाएं, है ना, यानी कि वेजिटेबल्स में चले जाएं, प्लांट में चले जाएं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन माना जाता है सोयाबीन्स के अंदर है, उसका भी दुगना प्रोटीन इसके अंदर होता है, एंड मोर देन 3 times ऑफ मीट और फिश। देखो मीट और फिश से भी ज़्यादा अच्छा हो गया ये, है ना, ये खा लो, जहाँ पर तुम जितना चिकन या फिश खा रहे हो उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा स्पाइरुलिना खा लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। सो द प्रोटीन कंटेंट ऑफ स्पाइरुलिना एक्सीड्स दैट ऑफ मीट, ड्राइड मिल्क, एग, सोयाबीन्स और ग्रेन्स। दालें हो, मीट हो, मिल्क, सबसे ज्यादा कंटेंट है इसके अंदर, इसीलिए ये काफी अच्छा है। स्पाइरुलिना प्रोटीन्स आर कंप्लीट, ये कंप्लीट है। अच्छा कंप्लीट क्यों कहा गया, सिंस ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट हियर। अब बच्चों पता है एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, अमीनो एसिड टोटल 20 टाइप्स के हैं, 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, और जो बना ले जाती है वो नॉन एसेंशियल है। क्यों, आप वो खुद बना लेगी हमारी बॉडी, क्या जरूरत है बाहर से लेने की, जिसको बाहर से खाया जाएगा वो एसेंशियल अमीनो एसिड, वो सारे के सारे स्पाइरुलिना के अंदर पाए जा रहे हैं। सोचो कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये। द हाईएस्ट वैल्यू फॉर द एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोस फॉर ल्यूसीन, वैलाइन एंड आइसोल्यूसिन। ये तीन जो एसेंशियल अमीनो एसिड है सबसे ज्यादा इसके अंदर पाए जाते हैं, बात समझ में आ रही है। देन लिपिड्स, स्पाइरुलिना कंटेन रिच अमाउंट ऑफ लिपिड्स, काफी ज्यादा होते हैं इसके अंदर लिपिड्स। हाफ ऑफ द टोटल लिपिड्स आर फैटी एसिड, ज्यादातर फैटी एसिड्स हैं। स्पाइरुलिना फैटी एसिड शोज द प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड, इसके अंदर जैसे अमीनो एसिड एसेंशियल पाए जाते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड भी पाए जाते हैं। द रेयर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्यूफा, याद आया है ना, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। जो सबसे रेयर है और अच्छा है गामा लाइनोलेनिक एसिड GLA, कैन बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट नोन सोर्स ऑफ GLA आफ्टर द ह्यूमन मिल्क। ह्यूमन मिल्क के बाद अगर गामा लाइनोलेनिक एसिड कहीं पर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है तो वो कौन है, स्पाइरुलिना, इसीलिए काफी अच्छा माना जा रहा है इसको। लिपिड्स की बात होगी, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, ऑल द एजिमिलेबल स्पाइरुलिना कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ पॉलीमर्स कंटेनिंग ग्लूकोज, कह रहा है जितना भी कार्बोहाइड्रेट जो एजिमिलेबल है खा सकते हैं पच जाएगा, वो सब के सब उसके अंदर क्या है, पॉलीमर है, किसके, ग्लूकोज के, यानी कि जब वो टूटेंगे तो सबसे छोटी यूनिट किसमें खाएंगे, तो पॉलीसेक्राइड टूट करके क्या बना जाएगा, ले जाएगा ग्लूकोज बना ले जाएगा। द मेजर पॉलीमरिक कंपोनेंट इज अ ब्रांच पॉलीसेक्राइड स्ट्रक्चरली सिमिलर टू ग्लाइकोजन। ले ग्लाइकोजन जो क्या है हमारी बॉडी में, जब हम खाना खाते हैं, याद आया कुछ, चपाती खाई ग्लूकोज में टूटी, वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाकर हमारी बॉडी में स्टोर होता है। जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो वही ग्लाइकोजन ब्रेक करके वापस क्या बनाता है, ग्लूकोज, जो हमको फिर बाद में क्या देता है, एनर्जी। क्लियर है। हाई मॉलिकुलर वेट एनायनिक पॉलीसेक्राइड विद एंटीवायरल एंड इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग एक्टिविटीज हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम स्पाइरुलिना। सीधी सी बात है, कुछ एनायनिक पॉलीसेक्राइड पाए गए हैं जिसके पास एंटीवायरल एक्टिविटी होती है और इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग एक्टिविटी होती है, यानी इम्यून सिस्टम को अच्छा करते हैं, जो कि स्पाइरुलिना से सेपरेट किए गए हैं, आइसोलेट किए गए हैं। अ सल्फेटेड पॉलीसेक्राइड फ्रैक्शन विद एंटीवायरल एक्शन, एक सल्फेटेड जिसमें सल्फर ग्रुप लगा हुआ है पॉलीसेक्राइड है, इसके पास भी क्या है, एंटीवायरल एक्शन पाया जाता है, उसका नाम क्या है, कैल्शियम स्पाइरुलान। वॉज एक्सटेंसिवली प्यूरिफाइड एंड शोन टू बी कंपोज ऑफ रैमनोज 3-0 मिथाइल रैमनोज एटसेट्रा। ये शायद कुछ नाम में गड़बड़ हो गया है तो ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे, मिथाइल रैमनोज, नोट्स में मैं इसको करेक्ट करवा दूंगा, ठीक है, कि एग्जैक्ट क्या नाम है इसका, और रैमनोज कुछ और भी इसके नाम होते हैं। तो ये कुछ सल्फेटेड पॉलीसेक्राइड प्यूरिफाई किए गए हैं जिनके अंदर क्या होती है, एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है। किसके अंदर पाए गए हैं, स्पाइरुलिना के अंदर पाए गए हैं, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। विटामिंस एंड मिनरल्स, इट इज कंसिडर्ड टू बी द रिचेस्ट होल फूड ऑफ प्रोविटामिन ए, रिचेस्ट प्रोविटामिन ए भर भर के इसके अंदर, बीटा कैरोटीन जिसे कहते हैं, विटामिन B1 जिसे थायमिन कहते हैं, विटामिन B12 राइफ्लोविन कहते हैं, B3 नियासिन कहते हैं, इस सब इसके अंदर भर भर के खूब सारा है इसके अंदर, बात समझ में आ रही है। नाउ मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है ना, ये सब भी इसके अंदर, मिनरल्स में क्या क्या पाया जाता है इसके अंदर, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये सारी चीजें इसके अंदर भर भर के पाई जाती हैं, बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है, ओके, तो मिनरल समझ में आया हमको।
नाउ न्यूट्रिशनल प्रोफाइल, यहाँ पर एक मैंने टेबल दे दी है ठीक है, जिसके अंदर अगर हम 100 ग्राम स्पाइरुलिना खाते हैं तो देखो हमें क्या क्या चीजें मिल जाएंगी। अब ये सारा याद करने बाद बैठ जाना, हाँ कुछ खास खास चाहो तो याद कर सकते हो कितने ग्राम है ठीक है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये विटामिन्स हैं ठीक है, 100 ग्राम में कितना कितना पाया जाएगा, ये तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, मिलीग्राम के अंदर दे रखा है, ल्यूसीन है, सबके लिस्ट दे रखी है, तो देख सकते हो ये लगभग सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। तो एक चार्ट सा दे दिया मैंने, इसके ये क्वांटिटी याद करने मत बैठ जाना, जस्ट एक बार नज़र डाल लेना ठीक है, जितनी बात याद हो अच्छी बात, अदरवाइज कोई बात नहीं ठीक है। तो इसका एक चार्ट दे देगी 100 ग्राम खान पे हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं और कितने कितने ग्राम मिल जाएगी। नाउ लास्ट वो हो गया उसका जनरल इंट्रो, थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन क्या क्या है कैंसर, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया 15-20 डिजीज याद कर लो, जो जितना अच्छा प्रोडक्ट मतलब जितना अच्छा हर्ब ठीक है, जितनी अच्छी चीजें ठीक कर सकता है उसमें उतनी ज्यादातर बीमारियां ऐड कर दो याद रखने के लिए ना। कैंसर हो गया, इम्यून सिस्टम को बढ़ावा दे रहा है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक हो गया, करेक्शन ऑफ माल न्यूट्रिशन हो गया, शरीर में कमजोरी वगैरह है, एंटी एजिंग है, एज को कम करेगा, हील गैस्ट्रिक अल्सर, इफेक्ट ऑन प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है ना, इफेक्ट ऑन डायबिटीज, एनीमिया, कार्डियक डिजीज, प्रोबायोटिक एक्टिविटी भी है, एंटी वायरल इफेक्ट भी है, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट भी है ठीक है। तो इस तरीके से इसके काफी सारे इफेक्ट है, हम लोग अगर हमको 10-15 बीमारियां याद हैं तो हम उसमें यहाँ पे उठा करके कुछ बीमारी लगभग सेम ही सेम है सब में काम आ रहा है ये। तो इस तरीके से इसके थेरेप्यूटिक एक्शन भी मौजूद है, काफी सारी बीमारियों में ये हमारी हेल्प भी करता है। तो देखा बच्चों स्पाइरुलिना कितना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, फ्यूचर का फूड कहा जाता है इसको है ना, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, चीजें कम होती जा रही है, कम खाओ शरीर को पूरा न्यूट्रिशन मिल जाए, क्लियर है ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म होता है और क्या करना है तुम लोगों को, रिवाइज करना है, रिवीजन करते रहो और पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।